हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस की इस कॉन्सेप्ट वीडियो में आज हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में समझेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे, फिर इसकी क्या लिमिटेशंस रही उसे समझेंगे और अंत में फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन पर कंप्यूटर की भी एक सीरीज चल रही है, केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज भी है, तो एक बार आप उन वीडियोज को भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सभी वीडियोज भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब हम शुरू करते हैं। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने एक बेसिक थ्योरी दी, जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। जॉन डाल्टन प्रपोज्ड एन एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो ये एटॉमिक थ्योरी थी, ये किस पे बेस्ड थी? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक संयोजन के नियम पर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो किन दो लॉ को एक्सप्लेन करती थी। तो वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, यानी स्थिर अनुपात का नियम। इन दोनों लॉज के बारे में हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट ए कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, इसके अनुसार सभी पदार्थ, चाहे वो एलिमेंट हो मतलब कोई तत्व हो, एक कंपाउंड यानी कोई भी यौगिक हो सकता है, और अमिश्र या कोई भी मिश्रण हो सकता है। तो ये सभी जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम एटम्स कहते हैं या फिर परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। यानी जो सभी पदार्थ होते हैं वो परमाणु से निर्मित होते हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, और ये ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो ये परमाणु होते हैं वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। नेक्स्ट है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो उनका मास और उनकी जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो समान होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी क्या भिन्न भिन्न होते हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्माण करते हैं। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, यानी स्थिर अनुपात का नियम है, उसे एक्सप्लेन करता है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। तो ये जो सारे पोस्टुलेट्स हैं, इन्हें हम आगे एक एक करके डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम एटम्स या परमाणु कहते हैं, और ये ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द होल यूनिवर्स एंड एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम ईंट ईंट जोड़ करके आप बिल्डिंग बनती है, जैसे, या फिर जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि जैसे जो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या होती है, सेल होती है। तो जैसे सेल आपस में कंबाइन होकर एक लाइफ बनाती है, उसी तरीके से जो एटम होते हैं ये भी आपस में कंबाइन होकर मैटर बनाते हैं। तो इसलिए यदि कभी आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर क्या है, तो वो होगा एटम। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो वो होती है सेल।
इसे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक गोल्ड की रिंग दिखाई दे रही है, तो इसमें गोल्ड का केवल एक एटम नहीं है, बल्कि यहाँ पर गोल्ड के बहुत सारे एटम प्रेजेंट है जो आपस में कंबाइन होकर इस तरीके से एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक कपड़ा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन हुए हैं। इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक लोहे ये लोहे की कील है, तो इसमें केवल जो आयरन के एटम है वो केवल एक ही नहीं, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे आयरन के एटम प्रेजेंट है। इसी तरीके से जो सॉल्ट होता है, जिसमें सोडियम आयन भी होता है, क्लोराइड आयन भी होता है, तो इसमें ये बहुत सारे जो आयन होते हैं ये आपस में कंबाइंड होकर सॉल्ट बनाते हैं। इसी तरीके से जो वाटर होता है उसमें बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, जिसे हम एटम या परमाणु कहते हैं। सेकेंड है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो सेकेंड पोस्टुलेट है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो कोई भी मैटर होता है वो छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम या परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पे जो डॉल्टन है उन्होंने एटम को एक अविभाज्य कण माना है, लेकिन हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट में है कि हम जानते हैं एटम एक विभाज्य कण होता है, जिसमें हम उसके जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। किंतु लेकिन अभी हम यहाँ पर डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो डॉल्टन है उन्होंने एटम को एक इंडिविजिबल पार्टिकल्स माना है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसे हमने डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में समझा है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर हमने इसके एग्जाम्पल्स भी समझे हैं। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें। एक बार हम यहाँ पे फिर भी से शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसके अनुसार जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। मतलब इसका ये कि जैसे यहाँ पे दो रिएक्शन है, कि यहाँ पे जो 16 एटम है वो किसके हैं, एक्स के हैं, और एक एटम है यहाँ पे वाई के। तो जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है X2Y। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे X के कितने एटम है, 16 है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है यहाँ पे भी X के कितने एटम हुए, 16 हुए, क्योंकि इसके आगे 8 लिखा हुआ है और ये X2 है, तो 8 × 2 होता है 16। और Y के यहाँ पे कितने एटम है, 8 है, तो यहाँ पे भी Y के कितने एटम प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है। तो यह हमने देखा कि जो रिएक्शन से पहले जितने एटम प्रेजेंट है उतने ही एटम क्या है, रिएक्शन के बाद भी प्रेजेंट है। दूसरा हम देखते हैं कि किस तरीके से मास कंजर्व रहता है। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। तो जो H2O होता है वो कैसे बनता है, कि उसमें एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन एटम होता है इसका मास होता है 16, और जो एक हाइड्रोजन एटम होता है उसका मास होता है 1। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम है, तो इसलिए यहाँ पे टोटल मास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने देखा कि रिएक्शन से पहले टोटल मास है 16 + 2 यानी 18। अब हम देखते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल जो बना है H2O उसका मास कितना है। तो एक तो ऑक्सीजन का हो गया 16, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये, तो इनका कितना हो गया, 18। तो यहाँ से भी हमने देखा कि जो रिएक्शन से पहले टोटल मास है उतना ही मास कितना हमें प्रोडक्ट में भी मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मास को ना तो नया बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये जो सेकेंड पोस्टुलेट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। हमने अभी समझा कि जो एटम्स होते हैं वो रिएक्शन में जितने रिएक्शन से पहले होते हैं उतने ही बाद में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं, सेपरेट होते हैं। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन में हमें कोई नया प्रोडक्ट मिलता है। इसे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे जब CH4 यानी मेथेन का एक मॉलिक्यूल है, ये दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होता है तो हमें मिलता है एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और दो मिलते हैं हमें वाटर के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं CH4 है, इसमें एक कार्बन का एटम है और चार हाइड्रोजन के एटम है, और यहाँ पे
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, O2 का मॉलिक्यूल है दो, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कितने हैं, चार ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे एक कार्बन का एटम प्रेजेंट है और दो ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, और यहाँ पे H2O है, यानी चार हाइड्रोजन एटम के प्रेजेंट है और दो ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन से पहले एक कार्बन का एटम है, रिएक्शन के बाद भी एक ही कार्बन का एटम है, रिएक्शन से पहले चार हाइड्रोजन के एटम है, तो यहाँ पे रिएक्शन के बाद भी चार हाइड्रोजन के एटम है, और रिएक्शन से पहले चार ऑक्सीजन के एटम है, तो रिएक्शन के बाद भी यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम CO2 में प्रेजेंट है और दो ऑक्सीजन के एटम वाटर के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एटम्स का नंबर है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एटम्स हैं वो रीअरेंज हो गए हैं। तीसरा है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। तो हमें पता है कि जो सेम टाइप के एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर क्या एलिमेंट बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास कोई भी एलिमेंट या तत्व है तो उसके जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे, आपस में आइडेंटिकल होंगे, यानी उनका जो द्रव्यमान है और रासायनिक गुण है वो समान होंगे। तो जैसे आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन का कोई एलिमेंट है उसमें हाइड्रोजन के ही एटम प्रेजेंट होंगे, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या ऑक्सीजन के ही एटम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2 जिसमें दो ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं, तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम क्या होगा, इनका सेम मास होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या समान होगी। तो ये तीसरा पोस्टुलेट कहता है। नेक्स्ट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यदि एलिमेंट्स डिफरेंट है तो वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के मिलकर बने होंगे, तो इसलिए उनका जो मास होगा यानी द्रव्यमान होगा और उनके जो रासायनिक गुण होंगे वो भी क्या भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पे जैसे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये दोनों डिफरेंट है आपस में, तो इनके जो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी जो परमाणु होते हैं वो छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तो जो ये पोस्टुलेट है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस यानी स्थिर अनुपात के नियम को एक्सप्लेन करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है यानी H2O है, इसमें हाइड्रोजन के एटम कितने प्रेजेंट हैं, दो, और ऑक्सीजन का कितना एटम है, एक, यानी इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1। इसका क्या मतलब होता है कि जो H2O का एक मॉलिक्यूल है उसे बनाने के लिए दो हाइड्रोजन के एटम चाहिए और एक ऑक्सीजन का एटम चाहिए। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है, इसमें कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का दो एटम प्रेजेंट है, तो इनका अनुपात हो जाएगा 1:2। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन क्लोराइड N2O5 N2O इन सबके रेशियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम रेशियो देख रहे हैं ये हमें दिख है कि ये एक पूर्ण संख्या है, मतलब कहीं पे भी डेसिमल में कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो इसलिए कहा गया जो परमाणु है वो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, यानी किसी दिए गए यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। इसे हम ऐसे इस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो इसमें दो ही हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा, मतलब हमें वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन एटम की जरूरत होगी। यदि मान लो हमने यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम ना लेकर दो ऑक्सीजन एटम ले लिए तो वो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, वो बनेगा H2O2 यानी हाइड्रोजन परोक्साइड। तो हमें वाटर के मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक ही ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन के एटम चाहिए होंगे। इसलिए कहा गया जो कोई यौगिक होता है उसमें परमाणु की जो सापेक्ष संख्या और प्रकार है ये निश्चित होते हैं। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 बनाने के लिए हमें एक कार्बन का एटम चाहिए होगा और दो ऑक्सीजन के एटम चाहिए होंगे, और CH4 यानी मेथेन बनाने के लिए हमें एक कार्बन का एटम चाहिए होगा और चार हाइड्रोजन के एटम चाहिए होंगे। अब हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात नहीं की गई। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेटेड दैट एटम्स वर इंडिविजिबल। तो इस थ्योरी में जो एटम्स है उन्हें अविभाज्य कण माना गया था, लेकिन बाद में हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चला, हमें पता चला कि जो एटम्स है उसके अंदर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स ये प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो ये वाला पोस्टुलेट है वो गलत सिद्ध हो गया। सेकेंड है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मासेस एंड डेंसिटीज।
तो जो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसमें क्या माना गया कि जो कोई भी एलिमेंट या तत्व होता है उसके जो सभी एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मास में। लेकिन जब हमें आइसोटोप के कॉन्सेप्ट के बारे में आगे पता चला तो हमने देखा जैसे जो हाइड्रोजन है उसके तीन आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, ड्यूटीरियम का मास नंबर होता है 2 और ट्रिटियम का मास नंबर होता है 3। तो यहाँ पे यदि हम किसी हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होंगे, सभी हाइड्रोजन के ही एटम प्रेजेंट होंगे। लेकिन यदि वो एक दूसरे के आइसोटोप हुए तो उसमें क्या होगा, उनका जो मास है वो समान नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। इसी तरीके से जैसे कार्बन के आइसोटोप से कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, इनके भी जो मास है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे बाद में ये पोस्टुलेट भी गलत साबित हुआ। नेक्स्ट है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोबार्स। तो जो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसमें कहा गया था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो मासेस होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन जैसे इट इज पॉसिबल फॉर टू डिफरेंट एलिमेंट्स टू शेयर द सेम मास नंबर, सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो जैसे यहाँ पे जो ये ऑर्गन है और ये पोटेशियम है, कैल्शियम है, आप यहाँ देख रहे हैं क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो इनका मास है वो सेम है। इसका भी 40 है, इसका भी 40 है और इसका भी 40 है। तो डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन इनका मास सेम है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट था वो भी गलत सिद्ध हो गया। जो हम ये मास नंबर निकालते हैं इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये सब हम पहले वीडियोस में आसानी से सीख चुके हैं। तो मास नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो ऑर्गन है इसमें 18 प्रोटोन प्रेजेंट है और 22 क्या न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका मास नंबर कितना हो गया, 40 हो गया। इसी तरीके से जो पोटेशियम है उसमें 19 प्रोटॉन है, 21 न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे कैल्शियम है उसमें 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तीनों का एक दूसरे के आइसोबार हैं क्योंकि इनका जो मास है वो सेम है। नेक्स्ट है, द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रॉप्स। तो जो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसमें कहा गया कि जो कोई एक एलिमेंट है उसके सभी जो एटम है उनकी क्या रासायनिक प्रॉपर्टीज भी समान होगी। लेकिन हमें पता है यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए, एक है हीरा और एक ग्रेफाइट। दोनों ही क्या होते हैं कि कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इनमें जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये इसमें क्या होता है केवल कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डॉल्टन के अनुसार सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हीरा होता है वो बहुत हार्ड होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता, जबकि जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम विच पोस्टुलेट ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसे डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के किस पोस्टुलेट से डिराइव किया जा सकता है। ऑप्शन ए, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन बी, मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ऑप्शन सी, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एंड ऑप्शन डी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमें पता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसके अनुसार एटम्स को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो नया बनाया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल डैश। ऑप्शन ए मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी एटम्स, ऑप्शन सी आयंस एंड ऑप्शन डी मिक्सचर्स। तो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार हमें पता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट टू प्रपोज एटॉमिक थ्योरी। ऑप्शन ए जॉन डॉल्टन, ऑप्शन बी निल्स बोर, ऑप्शन सी रदरफोर्ड एंड ऑप्शन डी थॉमसन। तो हमें पता है कि जो जॉन डॉल्टन थे इन्होंने पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। ऑप्शन ए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियाई, ऑप्शन बी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम्स एंड ऑप्शन डी डिस्ट्रक्शन ऑफ एटम्स। तो हमने पढ़ा है जॉन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि उसमें जो एटम्स होते हैं उनका क्या रीऑर्गेनाइजेशन होता है, उनकी पुनर्व्यवस्था होती है रिएक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो हमें बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में नहीं बताया गया था। ऑप्शन ए, मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, कि जो कोई पदार्थ होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, ये बताया गया था।
ऑप्शन बी, एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो एटम्स होते हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इसमें डिवाइड हो सकता है, जबकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एटम को इंडिविजिबल पार्टिकल्स यानी अविभाज्य कण माना गया था, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन बी, इसके बारे में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में नहीं कहा गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।